बरेदी टोला ठोंगा यह विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की संचालित है। मध्य प्रदेश शिक्षा अधिकार कानून 2009 के माध्यम से पूर्ण रूप से तरह तरह की व्यवस्था नहीं है। बच्चों को बैठने के लिए कमरा नहीं है, एक कमरे में कक्षा 4 और 5 एक साथ में बैठाते हैं, तो बच्चों के लिए पढ़ाने लिखाने में व्यवधान पहुँचती है। व्यवधान होती है, वो कहीं यहाँ बैठाते हैं, पश्चिमी के लड़के को बताने लगे तो चौथी बार देख रहे हैं, या कि फिर बाहर वार्ता नहीं करते हैं तो बाहर निकाल के उनको अलग अलग से पढ़ाते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए और कक्षा 6 से 8 तक के बालक बालिका खेल का मैदान, बाल बाउंड्री, मनोरंजन भवन, अलग अलग बैठक भवन न होने के वजह से बच्चों को भटकना पड़ रहे। ये थाली आप अपने घर से लाए हैं या तो विद्यालय के माध्यम से मिली है आपको? विद्यालय से नहीं मिला है। बच्चों के लिए भोजन करने के लिए पर्याप्त बर्तन उपलब्ध है? हमारे यहाँ बच्चों के लिए एक भी थाली उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे विद्यालय में शासन द्वारा कोई बर्तन की प्रावधान अभी तक नहीं है। यहाँ से जानकारी भेजिए अपने DRC या CO को, तो अभी तक बच्चों के लिए बर्तन की व्यवस्था नहीं हुई। क्लासरूम ना होने के वजह से ये सभी बच्चों को परेशानी की बोझ उठाना पड़ रहा है। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि ग्राम पंचायत सरपंच साहब को फोन कर दबाव बनाएं। यह बदलाव सरपंच द्वारा हो सकता है। सरपंच महोदया जी का नाम श्रीमती श्याम कली सिंह, उनका मोबाइल नंबर 83 49 31 50 31 पर फोन कर दबाव बनाएं। मैं कैलाश सिंह मराबी, ग्राम ठोंगा, पोस्ट मझौली, थाना तहसील मझौली, जिला सीधी, मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।